हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको डबल वी लेटर से बहुत ही आसान तरीके से पैरट यानी तोता का चित्र बनाना सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है तोता का चित्र बनाना नहीं आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, पहले तो आप ऐसे वी लिख देंगे। एक वी आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, बहुत ही आसान तरीका है ये। आप ऐसे डबल वी लिख दीजिएगा। डबल वी लिखने के बाद प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये हो गया हमारा वी। वी लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ जो है आप ऐसे एक उल्टा यू लिख दीजिएगा। एक उल्टा यू यहाँ पर लिखेंगे, सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा उल्टा यू यहाँ पर भी। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए प्यारे बच्चों, और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से आपको करना क्या दिखेगा, एक हाफ सर्किल यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, एक हाफ सर्किल आप यहाँ पे बना दीजिएगा। फिर इसको हमें ऐसे डबल कर देना होगा, यहाँ पे भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे डबल कर दीजिए, एक डबल लाइन यहाँ पे करिए। डबल लाइन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको भी ऐसे मिला देना होगा। फिर इसको हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ से हम जो है इसकी हेल्प से एक ब्रांच बना देंगे, ट्री का ब्रांच बनाना होगा। ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइए, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ही आसान तरीके से एक उल्टा यू यहाँ पे भी लिखना होगा। देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं, एक यहाँ पे डबल वी लिखिए, फिर इसके बाद यू लिखिए, उल्टा यू लिखना है। फिर एक बड़ा सा यू यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। बड़ा सा यू लिखने के बाद अब देखिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, एक लाइन ऐसे ले जाइए। फिर इसके बाद इसको ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर इसको ऐसे अंदर की तरफ करिए, यहाँ से ऐसे ले जाइए। फिर इसको हमें ऊपर की तरफ मिला देना होगा। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप जो है इस पैरेट का चोंच बना दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सर्किल करके एक आई बना दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा पैरेट का चित्र बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं।